हेलो भाई लोग, इस वीडियो का दिन बात करने वाला है किस तरह से अपनी काइन मास्टर के थ्रू आप ड्रोन इफेक्ट के साथ मैप जूमिंग को यूज़ करके एक अच्छी खासी प्रो लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। सो जैसे कि आपने वीडियो के इंट्रो में देखा दोस्तों, वीडियो था दोस्तों मैं अपने फ़ोन से शूट किया हुआ और काइन मास्टर के साथ एडिट किया हुआ। आप भी किस तरह से कर सकते हो वही हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। सो आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों आपको कुछ कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। पहले आपको डाउनलोड करना होगा काइन मास्टर। ये जो काइन मास्टर है दोस्तों, इसके अंदर वाटर वर्क नहीं है, इसका लिए आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको डाउनलोड करना होगा एक EIS वीडियो स्टेबलाइजर एप्लीकेशन, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसी से डाउनलोड करना होगा आपको एक मैप का एप्लीकेशन, जिसके साथ आप ड्रोन मैप जूमिंग इफेक्ट को डाल सकते हो, ठीक है। तीनों को डाउनलोड कर लीजिए, उसका तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो जाने के बाद दोस्तों आप किस तरह से कर सकते हो वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले दोस्तों आपको एक नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करना होगा आपके डिवाइस के थ्रू, जिसके साथ आप जाना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों आपको जो मैप का एप्लीकेशन है उसे ओपन करना होगा, ठीक है। सो ओपन करने के बाद आपके पास दोस्तों कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको रिकमेंडेड रहेगा एक स्ट्रॉन्ग डेटा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग वाईफाई को यूज़ करना, क्योंकि दोस्तों ये जो मैप है लोडिंग होने में थोड़ा सा वक्त लेता है। दोस्तों जो मैप है दोस्तों, इस मैप के अंदर कुछ कुछ सेटिंग्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको ओवरऑल एक प्रो लेवल की ड्रोन फुटेज मिल जाएगी। सो यहाँ पर 3 डॉट में टैप करके सेटिंग्स के अंदर चले आओ। उसके बाद दोस्तों पहले इन डिफ़ॉल्ट इनेबल फ्लाइट एनिमेशन बंद रहता था, पहला जो ऑप्शन है इसे आपको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों फ्लाइट एनिमेशन स्पीड, इसको मैं स्लोअर रखने की आपको गुजारिश करूंगा। सो इन डिफॉल्ट रहता है, इसको आपको स्लोअर कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इसको आप इस तरह से ही रखने दीजिए। यहाँ पर जो दो ऑप्शन देख पा रहे हो नोटिफिकेशन अंदर, इसको बंद कर दीजिए। गूगल लोकेशन के अंदर आप अपना लोकेशन को हाई एक्यूरेसी भी डाल सकते हो। यहाँ पर क्वालिटी सेटिंग्स के अंदर हाईएस्ट कर दीजिए। अगर आप फास्टेस्ट करते हो तो आपका जो मैप जल्दी से ओपन हो जाएगा, पर आपका जो मैप का इमेज आएगा वो उतना अच्छा नहीं आएगा। सो यहाँ से आपको क्वालिटी सेटिंग्स के अंदर हाईएस्ट कर देना होगा। और तो सिंपली क्या करना होगा, जिस भी लोकेशन के ऊपर आप हो उसको आप यहाँ पर सर्च कर लेना होगा। सो यहाँ से अगर चाहो तो माय लोकेशन भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो इस तरह से भी कर सकते हो। सो यहाँ पर से मैं दिल्ली को सर्च कर लेता हूँ, और आप एनिमेशन में गौर करना, ठीक है। सो यहाँ पर जो एनिमेशन आता है दोस्तों, इसको आपको रिकॉर्ड करना होगा अपनी स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू। मैं यहाँ पर दिल्ली को सर्च करने के बाद जिस तरह से जो एनिमेशन आ रहा है दोस्तों, इसको आपको रिकॉर्ड कर लेना होगा। रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा वो आपको दिखाता हूँ। उससे पहले दोस्तों जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसके अंदर कुछ सेटिंग्स को चेंजेस करना पड़ेगा, वो आपको पहले दिखा दे रहा हूँ। सो जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसे ओपन कर लो। दोस्तों जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर आपको रिकमेंड करता हूँ उसका नाम है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। बड़े अच्छे से स्क्रीन रिकॉर्डर है, आप 60 FPS के अंदर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पर जो Full HD है, Full HD को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फ्रेम रेट को 60 FPS कर दीजिए। 60 FPS के अंदर बड़े मज़ा आएगा। यानी आपको यहाँ पर से जो ऑरियंटेशन होगा इसके अंदर आपको ऑटो करना होगा, ठीक है। करने के बाद आपको जो फ्रेम रेट होगा इसका आपको 60 करना होगा। उसके बाद आपका जो AZ स्क्रीन रिकॉर्डर और स्क्रीन रिकॉर्डर का जो काम है वो हो गया। उसके बाद आप मैप में जाके अपना मैप को रिकॉर्ड कर लीजिए। जूम इन का जो पोर्शन है उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद सीधे काइन मास्टर के ऊपर मिलते हैं। सो दोस्तों कुछ इस तरह से रहेगा, आपको या इस तरह से रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। सो बड़ा ही आसानी से दोस्तों आप रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्लोली जूम इन होगा और बहुत ही अच्छा दिखेगा अगर आप ठीक ठाक से रिकॉर्ड करते हो। सो मैं ऑलरेडी दिखा दिया हूँ दोस्तों किस तरह से रिकॉर्ड करना होगा। हो जाने के बाद काइन मास्टर को ओपन कर लीजिए इस फुटेज को सेव करने के बाद।
दोस्तों ये जो काइन मास्टर है, काइन मास्टर के अंदर कोई भी वाटरमार्क नहीं है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं ऑलरेडी जो वीडियो करा हूँ उसको ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं ऑलरेडी वीडियो को एडिट करके आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो से और एक वीडियो के ऊपर जाने से पहले आपको एक ट्रांसमिशन आप देख पाओगे, कुछ इस तरह से आपको आपके लिए चला के दिखा रहा हूँ। इसे आप किस तरह से कर पाओगे, सिंपली इसमें टैप कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो नया थीम ऐड हुआ है। नॉर्मली दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट वाला जो थीम है नहीं रहता है, इसको आपको खरीदना पड़ता है। किस तरह से खरीदना होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हो हमारा जो वीडियो है दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज है और इसके अंदर EIS इनेबल है। आपको वीडियो को प्ले करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा दोस्तों वीडियो के अंदर EIS और वीडियो एक्सप्लेनेशन इनेबल है। आप किस तरह से इसको इनेबल कर सकते हो अपने वीडियो के अंदर, वो भी आपको छोटा सा डेमो करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों जो AJ एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के साथ अपने वीडियो के अंदर आप एस्टेब्लिशन को इनेबल कर सकते हो। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मान लेते हैं दोस्तों ये जो वीडियो है इसके अंदर हम एस्टेब्लिशन को इनेबल करना चाहते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स में टैप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एस्टेब्लिशन करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। सो ये जो वीडियो है एस्टेब्लिशन इनेबल हो रहा है, लोड होने देते हैं और उसके बाद क्लिक करते हैं एस्टेब्लिशन हो जाने के बाद। सो कुछ इस तरह से दोस्तों इस एप्लीकेशन के साथ आपको सभी वीडियो के अंदर, अपने सभी वीडियो के अंदर एस्टेब्लिशन को और EIS को इनेबल करना पड़ेगा। अगर आपका वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा शेकीनेस है सो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अगर आप अपने वीडियो के अंदर एस्टेब्लिशन को इनेबल कर देते हो उसके बाद वीडियो को काइन मास्टर के अंदर ले जाओ और उसके बाद एडिट करना होगा, ठीक है। सो या सब चाहो तो वीडियो को सेव कर सकते हो। मैं अभी के लिए इस वीडियो को सेव नहीं कर रहा हूँ। सो आपका मैप जूमिंग का पोर्शन हो गया, उसके बाद आपका जो वीडियो स्टेबलेशन हो जाएगा उसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है इसको आपको डालने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरा जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है काइन मास्टर का उसे डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपका जो नेट है नेट को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर गेट मोड पर टैप कीजिए। सो यहाँ से दोस्तों आपको जो सिलेक्ट करना होगा दोस्तों उसका आपको दिखा दे रहा हूँ कौन सा आपको सिलेक्ट करना होगा। ये वाला जो देख पा रहे हो दोस्तों इसी सेम थीम को आपको सिलेक्ट करना होगा, इसी थीम ट्रांजेक्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। मेरे फ़ोन के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल है, लगभग 547 के भी के आसपास है। इसी सेम को आपको डाउनलोड करना होगा। इसी सेम को डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन के ऊपर दोस्तों ये जो ट्रांसमिशन होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है और जो ट्रांसफॉर्म होता है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ इस तरह से यहाँ पर व्यू भी आएगा आपको। ठीक है, सो आप यहाँ पर से दोस्तों जो ट्रांसलेक्शन के लिए होता है या सब कर लीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद आपका वीडियो और भी अच्छा लगेगा आपके लिए। सो पहली बार अगर आप सिलेक्ट करते हो अपने जो एजेड स्क्रीन रिकॉर्ड स्क्रीन को रिकॉर्ड किया था, सो मान लेते हैं ये आ गया हमारा मैप, ठीक है। सो इस मैप के साथ हम जाना चाहते हैं। सो आपको क्या करना होगा, इस मैप में टैप करने के बाद यहाँ पर जो क्रॉप का ऑप्शन है इसमें टैप कीजिए। उसके बाद यहाँ पर डबल टैप कीजिए, कुछ इस तरह से आ गया ऑटोमेटिक देख पा रहे हो। अगर आप चाहो तो इसे अपने फिंगर के साथ मैनुअली भी कर सकते हो। हो जाने के बाद यहाँ पर जो इक्वल टू का ऑप्शन है इसमें टैप कीजिए और आपका वीडियो हो गया। अगर आप चाहो इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, स्पीड कंट्रोल को और भी अच्छा दिखेगा। आपको आगे जो पीछे से क्रॉप भी करना हो सकता है। कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। हो जाने के बाद दोस्तों आप जो नेक्स्ट वीडियो को स्टेबलाइज किया हो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो वीडियो स्टेबलाइजेशन इनेबल किया हो उस वीडियो को आपको इंपोर्ट करना होगा। मान लिया ये वीडियो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है इसमें टैप कीजिए। उसके बाद जो जो चीज़ हम डाउनलोड किया था तो दोस्तों जो इफेक्ट में हम लोग डाउनलोड किया था उस इफेक्ट को हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा। डाल दिया, डालने के बाद दोस्तों हो गया। यहाँ से अगर आप चाहो तो कलर एडजस्टमेंट भी कर सकते हो ब्राइटनेस को घटा बढ़ा के, और या सब अगर चाहो तो कलर फिल्टर को भी लगा सकते हो और भी अच्छा दिखेगा।
हो जाने के बाद जो नेक्स्ट चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको एक सॉन्ग को और जो साउंड होगा वो साउंड को इतना अच्छे से प्रेजेंट करना होगा दोस्तों वीडियो के साथ, पर फ्रेम बाय फ्रेम जैसे कि मैच करें। इस तरह की साउंड को आपको अपने वीडियो के अंदर डालना पड़ेगा, जिसके साथ आपका वीडियो और भी इनहेंस हो जाएगा और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सो आप नो कॉपीराइट सॉन्ग भी डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर से, और आपका मन चाहे सॉन्ग भी यहाँ पर से लगा सकते हो। मैं सॉन्ग को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जो आपको पसंद आता है, जो भी सॉन्ग आपको पसंद आता है यहाँ पर डाल के आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए, बड़ा ही खूबसूरत सा दिखेगा। उसके पहले दोस्तों मैंने और एक चीज़ यूज़ किया है, इसे कहते हैं दोस्तों सिनेमैटिक जो इफेक्ट डालने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर नीचे ब्लैक लाइन को ऐड करना पड़ता है। ये भी ऐड करना बहुत ईजी है, आप गूगल से सिर्फ सर्च कर लीजिए सिनेमैटिक फ्रेम, आपको मिल जाएगा वहाँ पर से। ठीक है, और जैसे कि आपने देखा दोस्तों सिनेमैटिक लुक इस तरह से आपको मिल जाएगा इस लेयर को और इस सिनेमैटिक फ्रेम को अपने वीडियो के अंदर ऐड करने के बाद, और बहुत ही अच्छे से काम करेगा। सो यह इसके साथ सिनेमैटिक फ्रेम के साथ और जिस तरह के मैं ट्रांजेक्शन यूज़ किया हूँ उसके साथ ये वीडियो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आपको और भी दोस्तों प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक प्रोफेशनल लेवल की वीडियो को एडिट करके एक्सपोर्ट करने के लिए। एक अच्छा वीडियो को एडिट करने के लिए आपको उस तरह से इमेजिन करना पड़ेगा, उस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। एनीवे दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर कोई वीडियो पसंद आया जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को दबा सकते हो। और थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।